महाविकास आघाड़ी सरकार के पालक मंत्रियों के नामों की घोषणा आ चुकी है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को नागपुर जिले का पालक मंत्री बनाया गया तो गृह मंत्री अनिल देशमुख को गोंदिया व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार को वर्धा का पालक मंत्री बनाया गया है। पालक मंत्री पद के लिहाज से देखे तो राउत व देशमुख के पुराने दिन लौट आए हैं। केदार का भी कद बड़ा है। पालक मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह पद अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री इन पदों की नियुक्ति करते हैं। पालक मंत्री जिला स्तर पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। वह सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा करता है, अधिकारियों की बैठकें लेता है। डॉक्टर राउत दूसरी बार नागपुर के पालक मंत्री बने हैं। इससे पहले 2014 में विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन कांग्रेस राकापा आघाड़ी की सरकार में वे पालक मंत्री बने थे। डॉक्टर राउत यवतमाल व अमरावती के भी पालक मंत्री रह चुके हैं। अनिल देशमुख भी गोंदिया के पालक मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस राकापा आघाड़ी सरकार में उन्हें भी अमरावती की जिम्मेदारी मिली थी। सुनील केदार पहले राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन पहली बार पालक मंत्री नियुक्त हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।